हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ भिंडी और दही की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और अब इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है और अब इसके हम ऊपर और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से काट करके हटा देंगे और इसे हम इस तरह से थोड़े बड़े साइज में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे काट लेना है। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। भिंडी की साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो सारी भिंडियों को हम इसी तरह से काट लेते हैं और ये देखिए, मैंने सारी भिंडियों को काट करके इस तरह से तैयार कर लिया है और अब इसे हम साइड में रख देंगे और एक और काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही ली है और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर लिया है जिसे मैंने घर में ही भून करके पीस करके तैयार किया है, और एक छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब इन सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दही में मसालों को मिक्स करने के बाद सब्जी बनाएंगे तो दही फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनेगी। कई बार क्या होता है कि दही वाली सब्जी बनाते समय दही डालते ही फट जाती है, तो ये इस तरह से हम अगर दही में मसाले को मिक्स करके रखेंगे और उसके बाद हम दही को डालेंगे तो वो कभी नहीं फटेगी। और अब हम गैस पर एक पैन या फिर कढ़ाई रख लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और अब इसमें हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसमें हम कटे हुए भिंडी को डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे हम बिना ढके ही इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक भी जाएगी और ये लसलसी भी नहीं होगी। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे अच्छे से पका लिया है और ये लगभग 70% पक चुकी है और बाकी हम ग्रेवी के साथ इसे पका लेंगे। तो अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और अब उसी पैन में हम एक चम्मच के करीब और तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे और अब इसमें हम थोड़ी सी करी पत्ता डाल देंगे और यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, इसे डाल देते हैं। आप इसकी जगह प्याज को पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें हम दो हरी मिर्च को इस तरह से काट करके डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे प्याज भूनते जाएगी इसका कलर चेंज होते जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से गुलाबी हो गई है। तो अब इसमें हम एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भी हम मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करके इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम मसाले वाले दही को डाल देंगे। दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे दही के साथ। और यहाँ पर मैंने गैस को अभी बंद ही रखा है और ये देखिए, सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही गैस को ऑन करेंगे। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर हम दही को अच्छे से पका लेंगे। और जैसे जैसे दही पकते जाएगी इसका कलर चेंज होते जाएगा और इसमें से तेल अलग होने लगेगा। तो हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए, दही अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए भिंडी को डाल देंगे और इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए भिंडी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसे हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि भिंडी मसालों के साथ अच्छे से पक जाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक करके अब भिंडी के अच्छे से पकने तक पका लेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे लगभग 5 मिनट तक पकने देते हैं। 5 मिनट बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। और अगर आप इसमें और भी ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ और ये अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए भिंडी बहुत ही अच्छे से पक गई है। और अब इसमें हम हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। तो ये देखिए दही वाली भिंडी बन करके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ या पूरी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।